आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे आईबीपीएस में निकली क्लर्क की वैकेंसी के बारे में, जिसमें आईबीपीएस द्वारा आपका जो क्लर्क का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया उसके बारे में हम बात करेंगे। इसकी आपकी जो नोटिफिकेशन की कंप्लीट जानकारी है आपको हमारे चैनल पर इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले चलते हैं जो आईबीपीएस द्वारा निकाली गई क्लर्क की जो वैकेंसी के बारे में चलते हैं। सबसे तो यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के बारे में, यहाँ पे देख सकते हैं कॉमन रिक्रूटमेंट आपका प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ क्लर्क, यहाँ पे देख सकते हैं पार्टिसिपेट आपका रहेगा क्लर्क 11 फॉर द वैकेंसी 2022-23 के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन आपको आवेदन करना है, दो एग्जाम होंगे प्री और मेन। नेक्स्ट कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस सिलेक्शन पर्सनल आपका क्लरिकल कैडर पोस्ट का होगा, ठीक है। जो आपका टेंटेटिव रखा जाएगा अगस्त सितंबर और अक्टूबर 2021 में, ठीक है। तो इसकी यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है उसकी आपको कंप्लीट जानकारी हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड, इसकी कंप्लीट जानकारी देने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब करियर रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। अगर आपको हमारा ये वीडियो या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल से सब्सक्राइब करें, जुड़े। अगर आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया पे नीचे दिए गए लिंक पे आपको हमारे से जोड़ सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं जो हमारी वैकेंसी उसके बारे में। तो यहाँ पे आपको देखिए जो ब्लैक में आपको दे रखा है उनको जरूर पढ़ लें, बोल्ड में, ठीक है। तो दे रखा है जो आपकी डिपेंडिंग वैकेंसी है फिल्ड की जाएगी फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए। जो बिजनेस नेट पार्टिसिपेट आपका बैंक रहेगा रिपोर्टेड रहेंगे, ठीक है। जो अपने अभी आपका एक्सपायर हो जाएंगी आपके 31/3/2023 को, ठीक है। तो इन सब के बारे में यहाँ पे है तो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपका जो वैकेंसी है स्टेट वाइज और कैटेगरीज वाइज डिवाइडेड की गई है उनका रहेगा। जो पार्टिसिपेट बैंक है यहाँ पे आपको देखने में बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी सारी बैंक है। यहाँ पे एक्टिविटी देगी टेंटेटिव डेट है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आप दे सकते हैं, एडिट या मॉडिफाई कर सकते हैं 12/7 से लेकर 1/8/2021 तक, ठीक है। पेमेंट आपका एप्लीकेशन फी आपका चार्ज रहेंगे 12/7 से लेकर 1/8/2021 को। डाउनलोड कर सकते हैं कॉल लेटर आपका और प्री एग्जाम ट्रेनिंग है अगस्त 2021 का, कंटेक्ट आपका प्री एग्जाम का रहेंगे 16/8 को। डाउनलोड कर सकते हैं कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्री का अगस्त 2021 में, ऑनलाइन एग्जाम प्री का रहेंगे 28/8 से लेकर 29/7/2009 तक रहेंगे। रिजल्ट ऑनलाइन प्रिलिमिनरी का आएगा आपका सितंबर अक्टूबर में। डाउनलोड कर सकते ऑनलाइन आपका कॉल लेटर फॉर मेन एग्जाम के लिए अक्टूबर 2021 में, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होंगे मेन के 31/10 में, ठीक है। आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट रहेगा 12/2022 में, ठीक है। तो ये आपका चार्ट है, इसको आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए क्या क्या चीज करनी है और क्या क्या जरूरत है उन सब के बारे में बताऊंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे आपके रिक्रूटमेंट आपका क्लरिकल क्रेडिट पे आपका पब्लिक सेक्टर बैंक डन ऑन स्टेट और की कैटेगरी यूटी आप वाइज रहेंगे। कैटेगरीज वाइज यहाँ पे आपकी वैकेंसी एलिजिबिलिटी की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपका स्पेसिफाई आपका बेसिक आपका क्राइटेरिया, अप्लाई पोस्ट कैंडिडेट मस्ट नेसेसरी प्रोड्यूस रिलेवेंट डॉक्यूमेंट ओरिजिनल और फोटोग्राफी सपोर्ट आपका दिया आइडेंटिफिकेशन एलिजिबिलिटी आपको रखना है, ठीक है। तो कैटेगरी नेशनलिटी आपका एज आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये सब होना चाहिए। आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने जो भरा है उसको आपको संभाल के रखना है। आपको टाइम ऑफ ज्वाइनिंग के समय आपको दिखाना पड़ सकता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनलिटी आपकी इंडियन, यहाँ पे इन सब की होनी चाहिए। एज यहाँ पे 1/7/2021 से 20 से लेकर 28 होनी चाहिए। यहाँ पे कैंडिडेट 2/7/1993 से 1/7/2001 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको एज रिलेक्शन रहेगा, एससी एसटी है तो 5 साल, ओबीसी 3 साल, फिजिकल डिसेबल 10 साल, तो एक्स सर्विस मैन है तो यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा वीडियो के लिए यहाँ पे आपको दे रखा है। और पर्सनल अफेक्टेड आपको 1984 5 साल का आपका एज रिलेक्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आपकी जो डिटेल है यहाँ पे आप देख सकते हैं एज रिलेटिव यहाँ पे आ रही है तो यहाँ पे पूरी डिटेल दे रखी है उनके बारे में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ पे देखिए आप जानते हैं कि आपका डिग्री ग्रेजुएशन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, कैंडिडेट मस्ट बी प्रोसेस वैलिड मार्कशीट, डिग्री सर्टिफाइड होना चाहिए और आपका कंप्लीट होना चाहिए ग्रेजुएशन डे आपका जब कर रहे हैं, ठीक है। परसेंटेज ऑप्टेन होना चाहिए ग्रेजुएशन वाइल रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, तो आपका कंप्लीट होना चाहिए रजिस्ट्रेशन करते समय तक। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं फ्रेंड कंप्यूटर लिटरेसी की बात करें, ऑपरेशन आपका ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज यानी कंप्यूटर सिस्टम की, ये आपको मैंडेटरी यानी कंपलसरी है, ठीक है। यहाँ पे आपको हो सकता है सर्टिफिकेट डिग्री हो, डिप्लोमा हो, कंप्यूटर ऑपरेशन लैंग्वेज और डेप्थ स्टडी इन कंप्यूटर में, ये अच्छा रहेगा, ठीक है। टेक्निकल एज वन ऑफ द समझा हाई स्कूल कॉलेज या इंस्टीट्यूट में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने चाहिए बोर्ड के यूनिवर्सिटी के, आपका डिक्लेयर रिजल्ट होना चाहिए 1/8/2021 से पहले, ठीक है, जब आप ज्वाइनिंग।
ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट जो होने चाहिए साइन बाय अप्रोप्रिएट अथॉरिटी और यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट के द्वारा, ठीक है, जो कि आपके रिकॉग्नाइज होने चाहिए वेरिफिकेशन और फर्दर प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं आपके जो CGPA OGPA है वो कन्वर्ट होनी चाहिए इनटू परसेंटेज में इंडिकेट ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये सब रहेगा आपकी कैलकुलेट परसेंटेज, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिवाइडिंग टोटल मार्क ऑब्टेंड बाई ऑल सब्जेक्ट ऑल सेमेस्टर ईयर यहाँ पे आपका रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको एग्रीगेट परसेंटेज रहेंगे, तो ये जैसे आपके 59.9 है वो ट्रीट किए जाएंगे 60% से कम, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे एक सर्विस मैनुअल के डिटेल दे रखी है, जैसे सकते रिजर्वेशन कैटेगरी के बारे में दे रखा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन सब के बारे में, तो यहाँ पे आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। फिजिकल डिसेबल वाले स्क्राइप के बारे में दे रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से गाइडलाइन है फिजिकल डिसेबल की, यहाँ पे देखने को इकोनॉमिक सेक्टर के वो देखने को मिल जाएंगे। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के यहाँ पे देख सकते हैं आपके सेंटर है उनके बारे में दे रखा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पूरे सेंटर है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। पे बात करते हैं फ्रेंड आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे में, नेम ऑफ टेस्ट आपका प्री एग्जामिनेशन इंग्लिश लैंग्वेज न्यूमेरिकल एबिलिटी रीजनिंग एबिलिटी, यहाँ पे 30-35 क्वेश्चन रहेंगे, 30-35 में समय 20-20 मिनट का होगा, टोटल आपका समय 1 घंटे का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आपका मेन का रहेगा जनरल फाइनेंस अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50-35 मिनट, जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 नंबर 35 मिनट, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 60 नंबर 45 मिनट, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 आपके रहेंगे, ठीक है। 190 क्वेश्चन 200 मार्क 160 मिनट, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपका रखा गया, दोनों आपका जो रहेंगे लैंग्वेज बायलैंग्वेज रहेंगे अंग्रेजी और हिंदी भाषा में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए वैलिड आपको आईडी लेके आने, कॉल लेटर के साथ आईडी प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। तो उस चीज को आपको यहाँ पे लेके जाना है जब एग्जाम देने जाएंगे तब, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इन सब के बारे में दे सकते हैं, उनके बारे में गाइडलाइंस है, आपको यहाँ पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। पेनल्टी आपकी रॉन्ग आपके रॉन्ग आंसर की 0.25 है, 1/4 रहेगी, ठीक है। ऑनलाइन आपका जो प्री एग्जाम और मेन एग्जाम में दोनों में, एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में यहाँ पे आपको गाइडलाइंस है, तो इसको चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। स्कोर के बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है, कट ऑफ स्कोर के बारे में आपको आपको दे रखा है, तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं आपका ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपटेन मिनिमम स्कोर ईच टेस्ट ऑफ आपका ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन एंड आल्सो मिनिमम टोटल स्कोर कंसीडर बाई फर्दर प्रोसेस। तो डिपेंडिंग आपका रहेगा नंबर ऑफ वैकेंसी स्टेट आपका यूटी यूनाइटेड टेरिटरी में वाइज आपका रहेगा वैकेंसी अवेलेबल, कट ऑफ डेट विल बी डिसाइडेड कैंडिडेट विल बी कंसिडर द प्रोविजन अलॉटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं जो आपका मार्क ऑप्टेन होगा जो कि ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर द फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट दे सकते हैं, टोटल मार्क आपका अलॉटमेंट फॉर आपका ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन 2200 का रहेगा, मार्क विल बी कन्वर्टेड आउट ऑफ 200 जो प्रोविजनल अलॉटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं लिस्ट आपको दिखानी होगी टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, यहाँ पे आपको देखिए वैलिड सिस्टम जनरेट प्रिंट आउट ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है, जो कि CIP 11 क्लर्क 11 की डेट ऑफ बर्थ के लिए हाई स्कूल की या आपका कंपोनेंट म्यूनसिपल अथॉरिटी की रहेगी SLC की, या आपका फोटो आइडेंटिटी प्रूफ आपका मार्कशीट आपका सर्टिफिकेशन ग्रेजुएशन ये सब रहेगा, ठीक है, जो कि रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है 1/8/2021 से, ठीक है, से पहले। तो यहाँ पे आपका SSC सर्टिफिकेट है, यहाँ पे जो भी सर्टिफिकेट आपके रहेंगे वो फिजिकली डिसेबल हैं तो इकोनॉमिक सेक्टर हैं तो, ठीक है, आपका आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट आपका रहेगा प्रोड्यूस करने होंगे, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे आपके रहेंगे, यहाँ पे आपको दे सकते हैं ये आपको गाइडलाइंस आ रही है आपको एग्जाम सेंटर के बारे में, देखिए क्या क्या करना है उसके बारे में आपको दे रखा है, मास्क पहनना ग्लव्स होंगे ये सब आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पे देखिए हाउ टू अप्लाई के, 12/7 से लेके 1/8 तक आपको आवेदन करना है, यहाँ पे देखिए क्या क्या रहेगा आपको, फोटो सिग्नेचर लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपका डिक्लेरेशन हैंडराइटिंग डिक्लेरेशन रहेगा ये सब आपके रहेंगे। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन है तो यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन की आपको भरकर इमेज खींच लेनी है, ठीक है, फोटो बना फोटो ले लेनी है तो उसको आपको भरना होगा, समय आपको जब भरेंगे तब उसको आपकी इमेज देनी होगी। 175 आपके रहेंगे SC ST फिजिकल डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए, 850 रहेंगे आपके GST रहेगी प्लस आपके ऑल अदर कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपकी जो फीस है यहाँ पे रहेंगी, ये आप दे सकते हैं, फोटोग्राफ सिग्नेचर लेफ्ट थंब इंप्रेशन हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपके रहेंगे अपलोड करने होंगे आपको सब, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट का आपको ऑनलाइन या किसी भी तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं, उनके बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको देखिए आपकी जो सारी जानकारी ईमेल और आपको SMS के माध्यम से मिलती रहेगी, जनरल इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे इसके बारे में आप दे सकते हैं, ये आपके कॉल लेटर है इन सब के बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है, डिस्क्लेमर दे रखा है, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको देखिए
जो वैकेंसी है आपको देखिए स्टेट आपको देखते मिल जाएगा, या स्टेट जो ABC से शुरू होगा, यहाँ पे देखिए अंडमान निकोबार है, यहाँ पे आपकी बैंक है, नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बैंक ऑफ बड़ौदा, आंध्र प्रदेश ए से आ रहा है, अरुणाचल प्रदेश, तो अल्फाबेटिकल स्टार्ट कर दो, जो आपका स्टेट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपकी पूरा चार्ट है यहाँ पे आपको देख सकते हैं, मैं स्क्रोल डाउन कर रहा हूँ, ठीक है, नीचे ले तो उनके पूरा चार्ट, तो ये आप देखिए हम नीचे आ चुके हैं फ्रेंड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको जो कि आपको जो गाइडलाइंस आप लोग डॉक्यूमेंट के बारे में दे रखा है वो यहाँ पे आपको देखने मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सब दे सकते हैं, नीचे आपको देखिए सेल्फ डिक्लेरेशन आ रहा है, तो जब आप जाएंगे तो सेल्फ डिक्लेरेशन करना होगा उनके बारे में दे रखा है, तो इन सबको पूरे दे सकते हैं आप, यहाँ पे आपको प्रिंट ले सकते हैं। यहाँ पे आपको देखिए परफॉर्मा दे रखा है आपका, जो कि आपका SC ST है, OBC है, इन सबके यहाँ पे परफॉर्मा दे रहे हैं, उनके बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है, तो वो यहाँ से आप दे सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड ये थी IBPS की वैकेंसी के बारे में, जिसमें आपका क्लर्क की वैकेंसी निकली थी, उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की मैंने कंप्लीट जानकारी दी है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप जरूर बताएं। ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब कैरियर रिलेटेड जानकारी की डेली अपडेट के हमारे चैनल से बने रहे, वीडियो को देखने।